सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये स्वप्निल कांबळे सज्ज होतोय वचुंबे संघाकडून यावेळेस मात्र स्ट्राईक एंडला. तर नॉन स्ट्राईक एंडला तुषार शर्मा अर्धदज मणी वाईल्ड स्पोर्ट्सचा हा खेळाडू यावेळेस मात्र ओपनिंग पेअर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. तर गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होतोय रोहित. पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर मात्र मोठी चपराक लगावलंय स्वप्निल कांबळेच्या बॅट मधून. आजच्या दिवसाला सुरुवात होते या षटकाराच्या मदतीनं. काय स्टार्ट आहे, सकाळचं ड्यू फॅक्टर आहे, दौ मैदानावर आहे असं असताना असं वाटतं. कालही पहिल्या मॅच मध्ये थोडासा कमी धावसंख्या पाहायला मिळाली होती, परंतु अगदी पहिल्यापासूनच आक्रमकपणा मात्र धारण केलाय. आणि मागची स्पर्धा याच मैदानावर झाली होती, त्यावेळेस मात्र नवीन इलेव्हन विजुंबे संघ जो त्या दिवसामधून पाहायला गेला तर त्या ओपनच्या लॉर्ड्समधून पुढे क्वालिफाय झाला होता. खूप चांगला परफॉर्मन्स या संघाचा राहिला होता, त्यामुळं माणगाव संघाला अगदी पहिल्याच बॉलवर इशारे दिलेत आणि आपले इरादे सुद्धा स्पष्ट केलेत. षटकारानंतर मात्र सिंगल स्ट्राईक रोटेट करत असताना स्वप्निल कांबळे एक नामवंत खेळाडू विजुंबे संघाचा यावेळेस 7 धावांवर खेळतोय. समोरच्या दिशेमध्ये यावेळेस मात्र मणीनं आघात केलाय अगदी समालोचन कक्षेच्या समोर. अजून एक दमदार फटका, बॉल जातोय सीमा पार. इथे आला हा खणखणीत षटकार मणीच्या बॅट मधून. आता मात्र हा षटकार दोनही बॅट्समन काय स्टार्ट दिले, षटकारानं खातं उघडलंय दोनही फलंदाजांनी. नावी शिलेपण विचुंबे संघाकडून खेळत असताना इथे मात्र खूप सुंदर फटका पाहायला मिळतोय अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि बॉल सीमा पार 4 धावा. पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना पहिलं षटक आपण पाहतोय. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन सारं काही आहे आणि असं असताना मात्र दोनही बाजूनी फलंदाजांनी केलेली टोलवाटोलवी आणि माणगाव संघाला जणू काही इशाराच दिलाय. हे आमचं जवळजवळ घरचं मैदान आहे आणि या मैदानाचे आम्ही राजे आहोत आणि या मैदानावर आम्ही आमचा साजेसा खेळ करणार. काय धावसंख्या झाले, 17 धावा धाव फलकावर. सुंदर स्टार्ट यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दोनही बॅट्समन ओपनिंग पेअर देत असताना. रोहितचं हे षटक महागड ठरतंय, ते अर्थातच माणगाव संघाकडून खूप दूरवरून हा संघ आज या ठिकाणी दाखल झालाय. महेर इलेव्हन टेम्पाले माणगाव हा संघ या ठिकाणी दाखल झालाय. त्याचप्रमाणे या देणगीदारांमध्ये अजूनही काही नावं राहिलेत, त्याच्यामध्ये ग्रामीणची जी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट अर्थातच वन ऑफ द सिरीज आहे ते आमचे ज्याच्यामध्ये ब्रँडेड शूज मिळणार आहेत जे रॉयगड स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर नबील शेख त्यांचं फार मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी ओपनसाठी सुद्धा दोन ब्रँडेड शूज असणार आहेत प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटला, त्यांचंसुद्धा आम्ही मनापासून आभार मानतोय. तिथे पूल करायचा होता, व्यवस्थित टायमिंग झालं नव्हतं, परंतु एक रन मात्र त्या ठिकाणी मिळते. 18 धावा धावफलकावर पहिलं षटक आपण पाहतोय. अगदी सकाळचं सत्र आहे असं वाटलं होतं, कदाचित गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला थोडासा बेनिफिट मिळेल कारण थोडेसे चेंडू स्विंग होतील, परंतु अगदी सुरुवातीपासूनच जणू काही वेगळंच मनामध्ये ठरून आलेत दोनही बॅट्समन आणि अशाच आविर्भावामध्ये मात्र फलंदाजी केली जाते. पहिलं षटक जर आपण पाहिलं रोहितचं फार महागडे षटक हाताळलं गेलं ते महेर इलेव्हन टेम्पाले माणगाव संघाकडून, कारण या षटकामध्ये दोन षटकार एक चौकार अशा पद्धतीनं मात्र तब्बल 19 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये खर्च केल्या त्या माणगाव टीमनं. खूप चांगली स्टार्ट मिलेशजी कांबळे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ, त्यांचं फार मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी आहे कारण ओपनच्या जे बक्षिसं आहेत उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक
70-70 चे किट त्यांना देण्यात येणार आहेत आणि ते त्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केले आहेत, त्यांचा मी मनापासून आभार मानतोय. खूप सुंदर किट आहेत, अगदी बॅकपासून एक परफेक्ट किट आपण म्हणतो आणि ते मिळणार आहेत खेळाडूंना. खूप चांगली संकल्पना आदर्श ट्रॉफी 2020. विशालजी जितेकर असतील, आकाश तारेकर असतील, ओंकार असेल, निलेश परदेशी असतील, तेजाजी पात्रे, वीरेन कावंड, साऱ्यांची फार मोठी मेहनत आहे या स्पर्धेसाठी आणि खूप चांगली स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. फलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक घेऊन मसूद येतोय. इथे कंट्रोल करावा लागेल मसूद या गोलंदाजीला, कारण पहिल्या चूरमध्ये 19 धावा आल्यानंतर आता मात्र या सलामीवीरांना रोखायचं कसं हा प्रश्न मसूद समोर जरूर असेल आणि पाहायचं आहे मसूद कशा पद्धतीनं या दोनही बॅट्समनना रोखणार. स्वप्नील कांबळे स्टान्स पाहिला, थोडासा क्रॉस होऊन खेळतोय. यावेळचा हा फटका कव्हरच्या वरतून सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. बॉल चाललाय सीमा पार. स्वप्नीलच्या बॅटमधून हा दुसरा षटकार. आज वेगळाच विचार मनामध्ये करून आलाय स्वप्नील कांबळे आणि तीच आक्रमकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सुरुवातीपासूनच मोठा स्कोर माणगाव संघाच्या विरोधामध्ये उभा करायचा या हेतूनच मैदानामध्ये बॅटिंग करतोय. इथे मात्र समोरच्या दिशेमध्ये खेळला घरंगळ जाणारा बॉल, क्षेत्ररक्षण नाहीये त्या ठिकाणी. अत्यंत वेगानं बॉल अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह चाललाय. बॉल सीमा पार, स्वप्नीलच्या बॅट मधून निघतोय. अजून एक फटका 4 धावांकरता चौकार. दुसरं सर्कल रिस्ट्रिक्शनचं हे षटक, त्यामुळं फक्त 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतात आणि असं असताना मात्र या ओपनिंग प्लेअरसाठी हे फिल्डिंग लावायचे कुठे हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. यावेळेस मात्र लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, लॉंग ऑन आहे आपण पाहतोय. समोरच्या दिशेमध्ये हे दोन क्षेत्ररक्षक, परंतु ज्या दिशेला चेंडू येईल त्या दिशेला मात्र स्वप्नील खेळत असतो. खूप चांगला बॉल होता इथे, फुलर लेंथ हलक्या हाताने स्टेअर केलाय. बॉल अगदी मिड ऑफला एकच जाऊ येईल, सिंगल येत आहे. थोडासा कंट्रोल करावा लागेल, कारण ज्या पद्धतीनं मात्र हा स्कोअर कार्ड मूव्ह होतोय एक मोठ्या धावसंख्येकडे नक्कीच वाटचाल करत असताना. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन तुषार शर्मा अर्थातच मणी, रॉयल स्पोर्ट्स कळंबोली संघ. तुम्ही जर मागे जाल 5-6 वर्ष, अगदी अगदी सलामीला येऊन एवढा गोलंदाजाच्या चिंधड्या उडवायचा, इथे मात्र खणून काढलाय. अगदी यॉर्क बॉल आणि समोर मात्र हेलिकॉप्टर शॉट पाहायला मिळाला. अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह षटकार. ही सर खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर क्षमतेनं भरलेला खेळाडू आहे आणि आज मात्र पुन्हा एकदा या मैदानावर मात्र मणी आपल्या बॅटिंगमधलं कौशल्य तमाम क्रीडा रसिकांना दाखवून देत असताना या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 36 या आकड्यावर. 36 रन्स विदाऊट लॉस मध्ये स्टार्ट. 36 धावा, अजून एकही सफलता मिळाली नाही आहे, त्यामुळे ही धोक्याची घंटा आहे. बाहेर एलिमेंट टेम्पल माणगाव, मैदान जणू छोटा जरूर आहे, मैदान स्मॉल आहे, इथे कितीही धावा चेस होऊ शकतात, परंतु ज्या पद्धतीनं सकाळच्या सत्रामध्ये अगदी सुरुवातीपासून आक्रमक झालेत तर नक्कीच माणगाव संघाच्या कर्णधाराला याचा विचार करायला हवा. ही जोडी जर शेवटपर्यंत राहिली तर फार मोठी धावसंख्या इथे पार होऊ शकते. आणि कालचा दिवस आपण पाहिला होता, 75 धावा चेस झाल्या होत्या 24 लाईव्ह इव्हेंट्सला. पहिल्याच सामन्यामध्ये हार पत्करावी लागली होती त्या धावा करून. इथे अत्यंत वेगानं हा बॉल शरीराचा वेध घेतोय मसूद. षटकारानंतर थोडासा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या आपण पाहतोय 36 धावा, 36 केतनजी पाटील अरिवली यांचा संघ. चांगली बॅटिंग काल केली होती. सांगायचा उद्देश एवढाच आहे, कितीही धावा इथे चेस होऊ शकतात. लोवर फुल टॉस होता इथे, मात्र समोरला ड्राईव्ह केलाय आणि एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल सीमा पार. 4 रन्स मिळतील चौकारानं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 40 या आकड्यावर. 40 रन्स, 40 धावा धावफलकावर. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आल्या तब्बल 21 धावा. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 20 सरासरीनं धावफलकावर धावा आपण पाहतोय. 9-11 विचुंबे संघाच्या 40 धावा.
तर सर्कल रिस्ट्रिक्शनची दोनही षटकं समाप्त झालेत. आता मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं लांबलं जाईल. इथून मात्र पाहावं लागेल येणाऱ्या 3 ओव्हर्समध्ये माणगाव संघ कशा पद्धतीनं कमबॅक करतो आणि ते करावं लागेल, कारण खूप मोठा संघाबरोबर तुम्ही खेळताय आणि या किंजल ट्रॉफीमध्ये हा संघ इथून पारितोषिक त्यांनी पटकावलेलं आहे. या मैदानाचा संपूर्णपणे अभ्यास आहे आणि एकापेक्षा एक दिग्गज बॅट्समन या संघामधून खेळतात, त्यामुळे इथून रोखावं लागणार आहे. गोलंदाजी मार्कवर शुभम येतोय. 3रं षटक घेऊन महेर 11 टेम्पाले माणगाव टीमकडून. मिस्टर परफेक्ट योगेश पवार रणजीपटू यांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. त्यांचा संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळेल. पेंटचा संघ आहे तालुका निहाय आणि खूप चांगला संघ. आज सगळे एकापेक्षा एक दिग्गज संघांचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे, त्यामुळं आज वेगळीच पर्वणी मिळणार आहे तमाम क्रीडा रसिकांना. फक्त 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून तुम्ही ऑनलाईन ह्या मॅचेस एन्जॉय करा. प्रत्येक क्षण तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तर शुभमचं हे षटक आहे. आत्तापर्यंत 41-41 जाबा धावफलकावर लागल्यात. सकाळचं 17 आहे. खूप चांगला बॉल इथे अपील पाहायला मिळाली. इथे रनआउटची शक्यता आणि आता मात्र परतावं लागतंय. डायरेक्ट हिट त्या ठिकाणी मात्र केला जातोय आणि बॅट्समन आउट होत आहे. ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. भले सांघिक यश असलं तरी ही जोडी फोडण्याचं काम मात्र या षटकामध्ये झालंय. शुभमला क्रेडिट मी जरूर देईन ज्या पद्धतीनं कमबॅक करण्याचा तो प्रयत्न करतोय, कारण पहिल्या 2 षटकांमध्ये जरूर अपयशी राहिला असेल माणगाव संघ, परंतु इथून मात्र आम्ही कमबॅक करणार असंच काहीसे सुतोवाच मात्र या टीमनं देत असताना तुषार शर्मा बाद झालाय. खूप चांगली इनिंग मात्र त्यानं साकारली. तब्बल 21 धावा अवघ्या 7 चेंडूंमध्ये 300 स्ट्राईक रेटनं तो खेळला आणि आपल्या टीमला मात्र एका चांगल्या धावसंख्येकडे मात्र नेऊन दिलं. परंतु पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. धावचीच्या स्वरूपात मोहरा मात्र गमावलाय तो नाबिश 11 विचुंबे संघानं. डायरेक्ट हिट आपण पाहिला. योगेश पवार त्या ठिकाणी खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि एक फार मोठी विकेट तुषार शर्मा अर्थातच मंडीची विकेट यावेळेस मात्र मिळाले. इथून कमबॅक करावा लागणार आहे, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये 3रा क्रमांकावर दाखल झाला आहे मॅन फ्रॉम रोडपाली परेश कडके. मिस्टर हेलिकॉप्टर असंही संबोधलं जातं. मैदानाच्या 4 फेर फटकेबाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू. आले आल्या पहिल्याच बॉलवर मात्र आपले इरादे स्पष्ट केलेत. लॉंग लेगच्या वरतून उडवलाय बॉलला. बॉल चालाय सीमा पार 6 धावांकरता. षटकार. तीनही बॅट्समननं षटकारानं खातं उघडलंय, त्यामुळं या फलंदाजांची क्षमता पहा किती आहे. पहिला बॉल फेस करत असताना एवढा कॉन्फिडन्स येतो कुठून, कारण बऱ्याच वेळा पहिल्यांदा पाहायला गेलं तर स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं असतं. आजकाल मानसिकता खेळाडूची एवढी बदलली आहे, कारण अगोदर आपण पाहिलं क्रिकेट तर अगदी पहिली धाव बरेच जण सिंगल काढायचे आणि त्यानंतर जेणेकरून 0 आउट व्हायला नको एवढं त्यांच्या मनामध्ये असायचं. परंतु इथे मानसिकता जर आज पाहिली तर तीनही बॅट्समन षटकारानं खातं उघडतात. स्वप्नील कांबळेनं, त्यानंतर तुषार शर्मा आणि आता मात्र आलेला परेश कडके सुद्धा. सागरजी मांडवकर एक उत्कृष्ट समालोचक नेहरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. त्यांचा आवाज तुम्हाला आज ऐकायला मिळेल. तर परेश कडकेनं मात्र सुंदर सुरुवात केली आणि याच्यापेक्षा चांगली स्टार्ट काय असू शकते एखाद्या बॅट्समनसाठी षटकारानं खातं उघडणं. धावसंख्या जाऊन पोहोचले तब्बल 47-47 धावफलकावर. शुभमचा हा बॉल यावेळेस मात्र आउटसाईड डॉप स्टंप ठेवण्याचा प्रयत्न, खूप चांगला प्रयत्न मी तर म्हणेन, कारण परेश कडकेच्या पद्धतीनं ऑन साईडला खेळतोय. आउटसाईड डॉप स्टंप थोडासा खोलात टाकण्याचा प्रयत्न केलाय
म्हणजे पाहिलं परेश कडके कशा पद्धतीने खेळतोय, पासून बराचसा दूर ठेवला बॉल जेणेकरून मोठे फटके खेळू शकणार नाही आहे, आणि हा विचार मनामध्ये आणून हा बॉल टाकला. मी नक्कीच कौतुक करेन गोलंदाजाचं. धावसंख्या 47 आहे, 47 जाबा. नावी शिलेबन वेचुंबे संघ येलो जर्सीमध्ये आपण पाहतोय फलंदाजी करत असताना. एका बाजूला स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय परेश कडके मॅन फ्रॉम रोड पाली, तर नॉन स्ट्राईक एंडला मात्र सो वेळ, त्या वेळामध्ये तुम्ही या ठिकाणी पोहोचणं गरजेचं आहे. पेट स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॉल चला स्क्वेअरलेगच्या दिशेनं, एकच जाव मिळेल. थोडस रिस्ट्रिक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण पहिल्या दोन ओव्हर्स मध्ये सुसाट वेगानं जो स्कोअर कार्ड मात्र पाहायला गेलं तर जो वारू उधळला होता नवी शिलेबन विचुंबे संघाचा, त्या वारूला लगाम घालण्याचं काम मात्र केलं तिसऱ्या षटकामध्ये शुभमनं. आणि असीम सुद्धा आपल्या अचूकतेवर भर देतोय, योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय, नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळते. लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी केलं की कितीही मोठे बॅट्समन असू द्या तुम्हाला त्यांना अडचणीत आणता येऊ शकतं. आणि पहिलाच बॉलवर उडालेला झेल गोलंदाजीवर बरंच काही सांगून जाणारा होता, तो झेल मात्र सुटला. इथून मात्र या झेलचा जीवनदानानंतर किती फायदा उचलणार तर येणारा काळ ठरवणार. पण तो सद्यस्थितीमध्ये आता मात्र नजर असेल स्वप्नील कांबळेवर, ज्या पद्धतीनं स्वप्नील कांबळे या मॅचमध्ये आक्रमक झाला आहे. ओवर द विकेट नाही तर चान्स जरूर आहे. नो मॅन्स लँड, निर्जन स्थळी जाऊन बॉल पडतोय, तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि दोन रन्स कंप्लीट. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल दोन्ही बॅट्समन मध्ये. अजून एक दोन षटकानंतर मात्र पाहायला गेलं तर माणगाव संघ कमबॅक करतोय. राईट अमोर द विकेट न आडवा बॅट नाही, यावेळेस मात्र पुलचा फटका व्यवस्थित कनेक्ट झाला नव्हता. बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक धाव. आदर्श ट्रॉफी 2020 दर्जेदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. इंटरनेटचं प्रॉब्लेम थोडंसं, त्याच्यामुळं 2-3 मिनटं आम्ही तुमच्याबरोबर जोडले जाऊ शकलो नाही आहे. टेक्निकल टीम त्याच्यावर वर्क करते आणि पुन्हा एकदा लाईव्ह प्रक्षेपण चालू झालंय त्याबद्दल नक्कीच दिलगिरी व्यक्त करतो आम्ही प्रेक्षकांची. परंतु खूप चांगली ओव्हर या ठिकाणी पाहायला मिळाली शुभमच्या पाठोपाठ असीमची. शुभमनं दिल्या 8 धावा, असीमनं दिल्या 7 धावा. ज्या पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये 40 धावा होत्या, मागच्या 2 ओव्हरमध्ये आल्या फक्त 15 धावा. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 4 ओव्हर्सनंतर 55 रन्स. आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं मी म्हणेन कमबॅक केलं आहे. परंतु शेवटचं षटक अतिशय महत्त्वाचं, पहिली 2 षटकं होती विचुंबे संघाची, त्यानंतरची 2 षटकं होती माणगाव संघाची, परंतु हे षटक मात्र कोणाचं असेल? नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन गावदेवी गावठाण विरुद्ध PSA पेण. दोन्ही टीमचे कॅप्टन, आपण इनिंग संपण्याच्या अगोदर तुम्हाला टॉससाठी यायचं आहे आणि अगोदरच इथे येऊन बसायचं आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या जागा आहे. PSA पेण संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झालाय, गावदेवी गावठाण संघ. जर आपण वेळेमध्ये उपस्थित राहिलं नाही तर कदाचित पेनल्टी 100% लागू शकतो, कारण कालपासून ह्या आपण सातत्यानं अनाउन्समेंट करतोय आणि आमची बिलकुल इच्छा नाही आहे कोणत्याही संघाला पेनल्टी मिळावी. त्यामुळे लवकरात लवकर तुम्ही धाव घ्या ही तुम्हाला शेवटची नम्रतेची विनंती. जाऊया शेवटच्या षटकाकडे. या 6 चेंडूंवर जो चांगला खेळ करणार जो संघ, तो संघ थोडासा हावी ठरेल. इथे बॅटची कडा बॉल गलीमध्ये चाललाय, कोणतीही चुकी नाहीये. परेश कडके जीवनदान जरूर दिलं होतं परंतु यावेळेस मात्र मिळणार नाहीये. इथे पहिलाच बॉलवर मात्र शुभमनं विकेट आपल्या नाबाबर केलंय आणि परेश कडके मॅन फ्रॉम रोडपाली यावेळेस मात्र बाद होत असताना हा लागलाय धक्का दुसरा. तुषार शर्माच्या पाठोपाठ परेश कडके आता मात्र परततोय. 2 बाद 55 अशी धावसंख्या पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना नवी शिलेबन विचुंबे संघाची. लोवर फुल टॉस होता समोरच्या दिशेमध्ये, लॉंग ऑनला झेलला जातोय. शुभमनं मात्र या सामन्याला जणू कलाटणी दिले. लगातार दुसरी विकेट, स्वप्नील कांबळे सुद्धा परतलाय. आघाडीचे 3ही बॅट्समन आता मात्र मैदानाच्या बाहेर आलेत. स्वप्नील कांबळेची इनिंग सुद्धा या ठिकाणी समाप्त होते. पाठोपाठच्या 2 चेंडूवर तिसरं षटक हाताळतो या गोलंदाज शुभमनं. मात्र इस मैदान के ऊपर मैच खेलते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर संगम लाजवाब कमबैक लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट से आए थे,
लेकिन राइट हैंड बॉलर के लिए, राइट हैंड बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट्स आए थे और जैसी गेंद बल्ले के पाले में आई, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। गुण नजर आते हैं तो कभी कभी लोग गलती पे पर भी तालियां बजाते हैं, खुद का अंदाजा यही से लगा दो, तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या साथ में गेम चेंजर बनना चाहते हो। स्वप्निल का लाजवाब टाइमिंग, शॉट बढ़िया, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्ट्रोक को मारा है, मात्र ये भी गेंद जाएगी जो शुरुआत रमेश पवार ने दी थी प्रेम गायकवाड़ के गेंदबाजी के ऊपर, वही शुरुआत यहां पर देते हुए स्वप्निल कांबले के बल्ले से दूसरा छक्का। क्या जबरदस्त बैटिंग चलती हुई, और यहां देखिए ये बैटिंग विकेट है और इस विकेट के ऊपर गेंदबाजों के लिए मात्र बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होगी और यहां पर वो मुश्किलें उत्पन्न, अगर विकेट मिलेगी आपको इसमें कहते संदेह नहीं, लेकिन मार कितनी मिलेगी इसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए विकेट निकाला फिर भी 6-3 छक्के आए हैं और 18 रन स्कोर कार्ड पर और 74 रनों का लक्ष्य का पीछा लेती हुई यहां पर थोड़ी सी मानसिक स्थिति थोड़ी सी विकेट नजर आती हुई फील्डिंग करने वाली टीम बजरंग स्पोर्ट्स 11 न्यू पनवेल टीम की ओर से। बैट्समैन फिर से एक बार स्वप्निल तैयार, छक्कों के हैट्रिक पर थे, सीधे बल्ले से खेला है लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी रमेश पवार मात्र देखते रहे, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। सुबह के सत्र में मुकाबला हारे थे प्रतीक ठाकुर गुड्डू मैन फ्रॉम केगांव और उनके साथ साथ हमारे वरुण विभाग के बाहुबली अमित नाइक एकट घर मात्र मैच को यहां पर एंजॉय करते हुए, क्योंकि सुबह काफी अच्छा पार्टनरशिप उनके दोनों खिलाड़ियों के बीच में प्रथमेश मात्रे और अमित की ओर से हमने एक अर्धशतकीय बल्लेबाजी देखी थी लेकिन मुकाबला वहां हारी थी जरूर। और बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से काफी अच्छा क्रिकेट आज रहा, पहले मुकाबले सिर्फ कम रन बने थे लेकिन उसके बाद यहां देखिए तीनों मुकाबले में भरपूर रन बनाते हुए संगम तैयार, स्लो डालने की कोशिश, फील्डर है यहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग होती हुई एक रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना कर दिया यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन थे परेश कड़के और परेश यहां पर वापस भेजते हुए डॉट बॉल की हुई समाप्ति, ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद नवीश 11 विचुंबे टीम का स्कोर है बगल एक विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन। तो हमारे आप देख सकते हैं कलिंगड़ वाले मामा बिल्कुल इस वक्त मैच को एंजॉय करते हुए, तुरमाले गांव के ये खिलाड़ी है जिस तरीके से ऋषि आज मैच खेल रहे थे और जहां देखिए कलिंगड़ बेचते बेचते अपने लड़कियों की शादी कही, आज नहीं बल्कि बैलों की रेस हो चाहे वो क्रिकेट हो हमेशा वो बेचते रहते और अपने लड़कों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और शादी भी किया और देखिए कितनी मेहनत लेते हैं, साइकिल्स के साथ आते हैं और हर जगह जाते हैं, बिल्कुल वहां पर उनकी उपस्थिति रहती है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये खेल है टेनिस क्रिकेट का। और यहां पर और विनायक माली की जो वीडियो है ना वह भी मामा आपको नजर आएंगे। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज नए आते हुए इस वक्त प्रतीक ठाकुर मैन फ्रॉम कलंबोली, एक अच्छे बैट्समैन लेफ्ट हैंड देख सकते हैं आप, अच्छी बल्लेबाजी इनके ओर से देखने को मिली लेकिन इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आते हुए टोटल रन बने 22, अभी भी 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पर जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 24 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है, लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है लेकिन ऐसे हालात में कोई ऐसा गेंदबाज होगा जहां से बजरंग स्पोर्ट्स न्यू पनवेल 11 टीम को अपना कमबैक वाला रास्ता दे सके। परेश कड़के खेलने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट के खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए, तब तक यहां पर सिर्फ 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल आप देख सकते हैं 23 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी होती हुई गेंदबाज प्रतीक ठाकुर की ओर से और अक्सर कहते हैं कि लेफ्ट हैंड बॉलर राइट हैंड बैट्समैन के सामने हमेशा दिक्कतें पैदा करते हैं लेकिन इस बैटिंग विकेट के ऊपर कितनी परेशानी में बल्लेबाजों को डालेंगे यह भी बात देखने वाली बनेगी, क्योंकि स्वप्निल कांबले ने अपने पारे में टोटल 3 छक्के 1 बाउंड्री लगाई है पिछले ओवर में और इसी स्वप्निल को अगर रोकने में कामयाब हो गए गेंदबाज मैं कहूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। स्वप्निल कांबले क्या इतनी आसानी के साथ मौका दे पाएंगे गेंदबाजों को, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट बढ़िया है और यहां पर फील्डर मात्र देखते रह गए, लंबा 6 स्वप्निल कांबले ऑन फायर, 4th छक्का, 6 रन।
हे कमजोर कमजोर खेल नहीं है और उसका बदला शायद यहां लेने की कोशिश कर रहे तो क्या मौका मिला है मौके का फायदा उठाते हुए क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चौथा छक्का स्वप्निल कांबले के बल्ले से और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 29-29 रनों के ऊपर मुश्किलें अब थोड़ी बढ़ती हुई यहां पर आप देख सकते हैं फील्डिंग करने वाली टीम जय बजरंग स्पोर्ट्स 11 न्यू पनवेल की गेंदबाजी की ओर से कप्तान के चेहरे के ऊपर चिंता की लकीरें जरूर नजर आती हुई सामने डालने की कोशिश लॉन्ग ऑफ में अलोंग द कार्पेट आउटफील्ड ने साथ नहीं दिया किस्मत को मंजूर नहीं था और ये गेंद जाएगी सीमा पार 4 रन दो ओवर का खेल अभी भी जारी है मैदान के अंदर दूसरे ओवर की सिर्फ 3 गेंदें समाप्त हुई है संगम को रन बने 22 और सेकंड पावर प्ले में अब बात करेंगे 33 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए अभी भी 3 गेंदों का खेल ऐसे हालातों में बचता हुआ राह बदले या बदले वक्त हम तो अपनी मंजिल पाएंगे लेकिन जो समझते हैं खुद को बादशाह एक दिन उसे अपने दरबार में नचाएंगे क्या बैटिंग स्वप्निल कांबले रुकने का नाम नहीं ले पा रहे यहां पर देखिए थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर दीपक पाटिल के हाथ खोलते हुए व्हाइट बॉल में एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 34 रनों के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वन मैन आर्मी स्वप्निल कांबले के मात्र ये रन आप देख सकते हैं केवल एक छक्का मन्नी शर्मा के बल्ले से निकला है और एक रन मात्र केवल निकली है परेश कड़के के बल्ले के साथ अनसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर मौजूद है अजित मुंगा जी उठाएंगे फील्ड करेंगे अच्छा थ्रो अच्छी कलेक्टिंग गेंदबाज के द्वारा और तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाज यहां पर छोर बदलते हुए स्ट्राइक मात्रा परेश कड़के मैन फ्रॉम रोडपाली परेश कड़के और परेश ठाकुर ये दोनों ऐसे खिलाड़ी है जो शरीर को पूरी तरीके से झोंक देते हैं और काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं गेंदबाज यहां पर तैयार होते हुए देखिए आप पिच लाइन की बॉल पड़ने के बाद फिर से एक बार तो बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 36 रनों के ऊपर ये लाइन परफेक्ट है ये लाइन को रखना भी जरूरी है और ये लाइन को आप रीड कर गए तो मानो आप जीत गए क्योंकि ये जो गेंदे होते हैं ना यॉर्कर गेंदे आप ऑफ स्टंप आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंदे ये आपको बहुत कुछ बता दी है और ये सीख लेना बहुत जरूरी हम हर टूर्नामेंट कहते हैं कि आप जब मैदान में उतरते उससे पहले आपने क्या अभ्यास किया है सर्कल के ओवर किस तरीके से डालने सिंगल कैसे लेने यॉर्कर बाउंसर गेंदे हैं ये बहुत कुछ सीख होती है अगर ये सीख लेनी है तो यूट्यूब पे जाकर आप ये नोट्स लेंगे तो बेहतर होगा अच्छा शॉट है फील्डर मिड विकेट का दौड़ता हुआ गेंद के नीचे तब तक फील्डिंग अच्छी होती हुई अजय उठाएंगे फील्ड करेंगे छक्का जरूर खाया है चौका भी आया दो गेंद वाइड लेकिन खराब थ्रो यहां पर आप देख सकते हैं तब तक बल्लेबाजों ने मौका लिया 2 रन लेने का और गुड रनिंग विद द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में और इन 2 रनों की मदद से यहां पर आप देख सकते हैं ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 19.00 की आसर से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 38 रन नविश 11 विचुंबे टीम तो बिल्कुल यहां पर ज्यादा समय ना व्यतीत करें क्योंकि आज हमें बिल्कुल जिस तरीके से डे नाइट की जो टूर्नामेंट है ना वो किसी को मिलती नहीं परमिशन लेकिन फिर भी हमें 10 बजे तक ये मुकाबले समाप्त करने हैं रात को और उसके ऊपर आपको गौर करना है तो नेक्स्ट मैच तो सुवीर स्पोर्ट्स और गाउदेवी गाउटन अधिराज वर्डगर और फ्रेंड्स 11 खाड़ेकर एंड वल्लभ टीम की रन संख्या अब 38 गेंदे बची है टोटल 18 36 रनों की जरूरत बगा मैं विनंती करतो सुवीर स्पोर्ट्स आणि गावदेवी गावटान आदिराज वडगर आणि फ्रेंड्स 11 खाडेकर एंड खाडेकर वल्लभ कुर्ला अवध 11 हे चार संघांपैकी जर कुठले संघ नाही आले असतील तर 60 संघांना मी विनंती करतो जर आपण वेळेवर आलात नाही तर सामने हे 4 षटकांचे खेळले जातील याची आपण नोंद घ्यायची आहे तर विनंती करतो सुवीर स्पोर्ट्स गावदेवी गावटान आदिराज वडगर अवध 11 कुर्ला अवध खाडेकर 11 कुर्ला रिया 11 वावरले अर्थात उमर 11 स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी रायगड दत्ता शेठ मुंगाजी यांचा संघ आणि शिरसाट स्पोर्ट्स आणि मॅग्निफिसेंट नवी मुंबई
जे संघ नाही आले असेल त्यांना विनंती करतो आपण यावा. जर आपण आलेलो उशीर झालात तर आपले सामने मात्र चार षटकांचे खेळले तरी याची आपण नोंद घ्यायची आहे. गेंदबाज तयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आए थे, डीप स्क्वेयर लेग के रीजन में यहाँ पर फील्डर रमेश पवार गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे. तब तक यहाँ पर एक रन, एक रनों की मदद से तो बिल्कुल आप यहां पर देख सकते एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल 39 रन. गावदीपी काउटन टीम के कैप्टन करण मड़वी यहां पर आते हुए तो उनके सामने प्रतिस्पर्धी होंगे सुवीर स्पोर्ट्स 11 टीम के कैप्टन. टॉस के लिए आप संपर्क करें. शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, क्या ले पाएंगे कैच को, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पाउंड लाइन के बाहर. इट्स नॉट परेश कड़के, इट इज अ कड़क परेश के बल्ले से 6 रन. खिलाड़ी है और भोपाल में जो रनिंग टूर्नामेंट हुई थी वहां पर गोल्ड मेडल देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था. अच्छे खिलाड़ी है लेकिन यहां पर देख सकते हैं इस पहली गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6 और 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल 45 रन. रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है 15 और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत. क्लीन बॉल, वॉर्ड बॉलिंग, जबरदस्त कमबैक होता हुआ क्या यहां से मैच में यूटर्न देने की कोशिश करेगी बजरंग स्पोर्ट्स 11 न्यू पनवेल. विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ नवीश 11 विचुंबे टीम का. सुवीर स्पोर्ट्स 11 टीम की कैप्टन को आखिरी पुकार होगा वरना पेनल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा. गावदीपी गावटन 11 टीम की कप्तान यहां पर मौजूद है और सुवीर स्पोर्ट्स सिर्फ 4 ओवर का मैच होगा. देखिए आपको हम गुजारिश करते हैं क्योंकि नाइट की टूर्नामेंट अभी तक कहां देखने को मिली नहीं है लेकिन फिर भी हमारे इस टूर्नामेंट के लाल आयोजक राकेश दादा गायकवाड़ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को डे नाइट बनाया और आखिरकार उनका सपना यहां पर साकार होता हुआ. तो यहां पर विकेट गिरा, अब गेंदें बची है 14 और जीतने के लिए 29 29 रनों की जरूरत है सौरभ नेतम की. क्या लाजवाब गेंदबाजी. चलिए एक शिकारी गया तो दूसरा शिकारी मैदान के अंदर आते हुए. यही तो ओपन लॉर्ड्स की खासियत है ना कि 11 खिलाड़ी होते एक एक गाँव का चुनिंदा खिलाड़ी होता है. या फुल टॉस गेंद थी डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के रीजन में रमेश पवार गेंद को उठाएंगे. तब तक ये फुल टॉस गेंद के ऊपर अंजाम नहीं दे पाए यहाँ पर बैट्समैन अक्षय पवार कप्तान है टीम के. सिंगल भटोरा सिंगल की मदद से स्कोर आगे मात्र पहुंचता हुआ. टोटल 46 रनों के ऊपर रन गेंदे बची है टोटल 13 और जीतने की बात करेंगे 28 रनों की जरूरत है. मुकाबला अभी भी बैलेंस है 13 बॉल 28 की दूरी लेकिन स्वप्निल कांबले जैसे तूफान को रोकने में अगर कामयाबी मिलेगी अक्षय पवार के ऊपर आप प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूंगा थोड़ी सी आधी जीत आपके हिस्से में आएगी क्योंकि 28-30 रन 2 ओवर में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कितना संघर्ष करेगी जो बजरंग स्पोर्ट्स 11 न्यू पनवेल टीम. स्वीप किया फुल टॉस गेंद सिर्फ दिशा दी क्या स्टाइल से बैटिंग करते हुए गेंद फाइन लेग सीमा रेखा पाउंड लाइन के बाहर 4 रन. बिल्कुल यहां पर चलिए जल्दबाजी करें टीम मीटिंग ना करें तो बेहतर और हम लास्ट पुकार देते हैं. देखिए सुवीर स्पोर्ट्स 11 टीम की कैप्टन प्लीज टॉस के लिए संपर्क करें. हमारे सावंत साहब सर इनका भी शुभागमन हो चुका है, थैंक यू, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. तो इसी 4 रनों की मदद से ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट. 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 50 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए नवीश 11 विचुंबे टीम के. जिस तरीके से नवीश 11 विचुंबे टीम के पैकर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं नीलेश कांबले बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिनके माध्यम से टीम को हमेशा पैक किया जाता है और बिल्कुल उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. तो सोच तो यही होगी कि गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए. आने वाली गेंदें होंगी 12 और जीतने की बात करेंगे 24 रनों की जरूरी है. प्रति गेंद के ऊपर रन चाहिए दो लेकिन ऐसे हालातों में कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करेगी इस वक्त बात करेंगे. जय बजरंग स्पोर्ट्स 11 न्यू पनवेल. गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए प्रतीक ठाकुर को गेंदबाजी के लिए इन्वाइट किया है कैप्टन ने. अगर प्रतीक ठाकुर के ओवर में 10 रन खर्च होते हैं तो आखिरी ओवर तक ये मैच बना रहेगा. लेकिन सामने सावली ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का एक हुक्म का एक्का जिसे कहते हैं
सार्थक ट्रॉफी में फास्टेस्ट 50-50 खेलने वाला और न जाने कई अर्धशतक इस बल्लेबाज के नाम पर है। वो बल्लेबाज मात्र अक्षय पवार खेलने के लिए तैयार होते हुए। लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड कॉम्बिनेशन है मैदान में, बैटल में मजा आएगा। 12 बॉल 24 रनों की दूरी, गेंदबाज प्रतीक ठाकुर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से तैयार। पहली गेंद, मैंने पहले भी कहा था मजा आएगा, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को और इसी के साथ बैट्समैन गुड्डू यानी कि अक्षय पवार के पारी का अंत होता हुआ तीसरा बड़ा छटका मिलता हुआ नवीश 11 विचंबे टीम के कप्तान लौटे पवेलियन की तरफ, एक रनों का मात्र योगदान दिया और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। खतरनाक बल्लेबाज है लेकिन यहां पर देखेंगे पहली गेंद के ऊपर बॉलर प्रतीक ठाकुर ने अक्षय पवार को यहां पर चलता बना दिया उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए। अरमान से एक मौका मिला था किंजल ट्रॉफी में और बिल्कुल क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी। और फिर से एक बार आप देख सकते हैं नवीश 11 विचंबा टीम की ओर से खेलते हुए, अब जरूरत है 11 गेंदे और 24 रनों की दूरी, ये ओवर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मैच में वापसी वाला रास्ता बना देगी फील्डिंग करने वाली टीम जब बजरंग स्पोर्ट्स 11 नवीन पनवेल टीम को। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर मौजूद, कैच के लिए पलटे थे लेकिन कैच नहीं लिया और यहां पर देखिए भाग्य का साथ मिला यहां पर बैट्समैन अरमान को। तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ और इस एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल, आप देख सकते हैं 51 रनों के ऊपर, गेंदे बची है टोटल 10 और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। कंपलसरी चीज, ये टूर्नामेंट का नियम है, भीड़ इकट्ठी करके तो किसी को भी हराना आसान होता है लेकिन मजा तब है जब आपका नाम सुनते ही भीड़ में भगदड़ मच जाए। क्या होगा इस मुकाबले का अनुमान, स्वप्निल कांबले को भी बीट किया, व्हाट अ बॉलिंग, क्या गेंदबाजी चल रही है, ये मैच कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा बाजी नजर आती हुई बजरंग स्पोर्ट्स 11 न्यू पनवेल टीम की तरफ। डॉट बॉल की हुई समाप्ति और इस निर्णायक क्षण में एक एक डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक छक्का बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई 9 बॉल 23 रनों की जरूरत, मुकाबला तोड़ा यहां पर दबाव डालने की कोशिश होती हुई नवीश 11 विचंबा टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। जिस स्वप्निल कांबले ने पहले ओवर में 3 छक्के दागे थे उसी स्वप्निल कांबले को मात्र खामोश रखा है प्रतीक ने। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, फील्डर है थोड़े से फंबल हुए थे, क्या कर रहे वहां पर फील्डर, एक आसान से कैचेस है वो मात्र मौके गवा रहे और यहां पर तब तक बल्लेबाज स्वप्निल कांबले को मिलता हुआ जीवनदान और इसी जीवनदान के आधार पर 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 53, गेंदे बचे 8 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। स्वप्निल कांबले का छोड़ा हुआ कैच और अरमान शेख का छोड़ा हुआ कैच ये कितना मुश्किलें पैदा करेगी आपके सामने, ये तो खुद जानते हैं कप्तान बजरंग स्पोर्ट्स न्यू पनवेल टीम के कैप्टन, लेकिन देखना होगा कि ये मैच कहां तक लाकर खड़ा करते हैं। स्टाइल है डैशिंग, जिगर है डेरिंग, क्रिकेट के मैदान में हमेशा करते हैं कैरिंग, बस यही सोच है इनकी मैचिंग। ये देखिए लंबा शॉट, स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी मात्र देखते रह गए और यहां पर छक्का, दबाव था बल्लेबाजों के ऊपर और लंबे छह के साथ मुकाबले में थोड़ी सी वापसी होती हुई टीम की रन संख्या 6 रनों की मदद से 59 रन और गेंदों के बीच में फासला 7 गेंदे 15 की दूरी। तो बिल्कुल हम गाउदीपिक आउटर टीम के पैकर अतुल शेठ मडवी इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, कभी भी मंच पर आते नहीं है, कालापुर की टूर्नामेंट हो चाहे वो सारसन की टूर्नामेंट हो लेकिन हमारे अतुल शेठ मडवी कभी मंच पर आते नहीं। आइए अतुल शेठ, टूर्नामेंट के माध्यम से हम आपका जहर से स्वागत करते हैं। हमारे सूरज पाटिल सिद्धेश वास्कर सुबह के सत्र में एक मुकाबले में नहीं थे सूरज लेकिन थे, शायद जल्द आउट होकर लौटे। और प्रसाद गरद का बल्ला इस सीजन में काफी फॉर्म में चल रहा है, उनकी आज बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर नजर आई लेकिन मैन इन फॉर्म सिद्धेश वास्कर, सारसन कालापुर का मैदान आदर्श स्पोर्ट्स नवीन पनवेल टीम के खिलाफ क्या जबरदस्त बैटिंग की थी। क्रूशियल मोमेंट है, गेंदे बची है टोटल 7 और 15 रनों की दूरी, स्वप्निल कांबले को मिला हुआ जीवनदान, मात्र आग उगलती हुई बल्लेबाजी, अभी तक 40-13 गेंदों में बना है, क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। ये देखिए गेंद फुल टॉस थी लेकिन हिट विकेट, गेंद बल्ला लगा स्टंप के ऊपर और एन मौके पर ये विकेट जो गवाया है
वो मात्र यहाँ पर ये खतरे के संकेत बन सकते हैं और इस टूर्नामेंट का तीसरा हिट विकेट आप देख सकते हैं स्वप्निल कांबले के पारी का अंत। आप जीत की बात करेंगे, आने वाली 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। शर्माणी स्वप्निल कांबले स्ट्राइकर स्वप्निल हा चेंडू अगदी सरळ खेळला आहे मिडऑफच्या डोक्यावरून या स्पर्धेतील पहिला षटकार सुरुवात झाली आहे चांगली सुरुवात होताना दिसते सुरुवातच एवढी चांगली आहे शेवट कसा होणार फार गोड शेवट सुद्धा पाहायला मिळेल कारण सुरुवातच तेवढी चांगली पाहायला मिळते फलंदाज स्वप्निल कांबळे यांच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला षटकार 5 षटकांचा सामना पहिला चेंडू मनीष शर्मा खेळले ज्यानं हलक्या तर चेंडू फक्त दिशा दिली होती चेंडूकडे चेंडूला ज्यावरती सिंगल मिळाले आणि त्यानंतर स्ट्राईकला आलेला स्वप्निल कांबळे विचुंब्याचा खेळाडू आज तालुका स्तरावरती खेळत असताना आपण पाहताय चांगलं खेळ त्याच्याकडे आहे दोन क्षेत्ररक्षक सीमारेषेलगत आपण पाहताय एक डीप स्क्वेअर लेग तर दुसरा लॉंग ऑनला यावेळचा चेंडू सरळ पुन्हा एकदा खेळला आहे चेंडू स्क्रीन कडे जाताना दिसतोय पाहता पाहता वन बाउन्स चेंडू ओवर द रोप सीमा पार चौकार क्रिकेटमधील स्टँडर्ड कसं असावं याचं उत्तम उदाहरण सर्कलच्या पाबंदातील षटकामध्ये कशा प्रकारची विस्फोटक फलंदाजी करावी याचं उत्तम उदाहरण देणारा हा फटका स्वप्निल कांबळेच्या बॅटमधून येतोय संघाची धावा संख्या आपण पाहताय बिनबाद 11 धावा क्षेत्ररक्षण बदललं जातंय लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक आता मात्र लॉंगअपला आणलाय थोडासा मात्र बदल केला जातोय काळानुसार बदल करणं आणि काळानुसार स्वतःमध्ये बदल घडवणं आणि काळासोबत चालणं एक यशस्वी माणसाचं लक्षण आणि तेच क्रिकेटमध्ये आज या सामन्यामध्ये या चेंडूवरती पाहायला मिळालं गोलंदाज नवनाथ गायकर यांच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या आपण पाहताय बिनबाद 11 धावा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने नवनाथ गोलंदाजी करतायत किरवलीचे खेळाडू आहेत यावेळचा चेंडू शॉर्ट पिच डिलिव्हरी चेंडूला हिट केलाय चेंडू डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतो आणि चांगल्या पद्धतीने जज केला चेंडू फलंदाज होतो जेलबाद सचिन मोरे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय सीमारेषेलगत असताना क्षेत्ररक्षकाने कसं क्षेत्ररक्षण करावं याचं उत्तम उदाहरण आपण या चेंडूवरती पाहू शकता स्वप्निल कांबळे यांना मात्र बाद केलं ज्या स्वप्निल कांबळेने सुरुवात केली होती षटकाराच्या साह्यानं त्यानंतर लगावला होता चौकार आणि तोच स्वप्निल कांबळे यावेळेस मात्र जेलबादच्या स्वरूपात मैदानातून बाहेर जात असताना पहिली बॉल देखिए शरीर से काफी नजदीक से गई शक की बुनियाद से देखा था अंपायर की तरफ कि बॉल वाइड होगी लेकिन गेंद कितनी अच्छी देखिए पड़ने के बाद पूरी तरीके से मिडल स्टंप से गुजरती हुई डॉट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए गेंदबाज तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट स्वप्निल कांबळे का ये बड़ा प्रहार गेंद जाएगी इस बार काउ कामर के ऊपर से अंपायर का इशारा 6 रन अच्छे और क्या जबरदस्त बैटिंग यहां पर करते हुए स्वप्निल कांबळे टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं और यहां आक्रामक शुरुआत करते हुए इस बार भी शॉट बढ़िया इनसाइड आउट मारने की कोशिश लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए लगभग गेंद सीमा पार 4 रन कोहली सुलूक दरिया कोरा दरवळली जिजाऊ पोटी मराठ्यांचा राजा उतरला सांगत मुखी ही की पाकर किलबिल्ली नगारा वाजला साहिरी शास चढला डंका डोंगराळ सांगत सुटला आता सह्याद्रीवर भगवा फडकणार मराठ्यांची तलवार शत्रूवर धडकणार इतिहासाचं पहिलं पान शिव जन्मानं लिहिलं होतं आता हिरव्या दगडावर आता फक्त भगवा स्वराज्याचा इतिहास कोरत होता इस बार भी शॉट बढ़िया है फील्डर है लेकिन उनसे पास से दूर गेंद सीमा पार 4 रन और एक बाउंड्री स्वप्निल कांबळे के बल्ले से
क्या बात है, क्या बात है डीजे, वो दौलत ही क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में जो मैंने पाई है छत्रपति के सामने सर झुकाने में। डीजे सैगी, आप देख सकते हैं लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज की सुमधुर संगीत आपके सामने यहाँ पर सुनाते हुए। पहली बॉल डॉट पे की थी, उसके बाद छक्का, उसके बाद दो बाउंड्री, यानी कि जिस गेंदबाज मिथुन माते ने काफी कमाल की गेंदबाजी की थी आदर्श इलेवन नवीन पनवेल टीम के खिलाफ, उसी गेंदबाज के सामने मात्र धज्जियां उड़ा रहे हैं। गेंद यहां पर जाती हुई लॉन्ग लेग और डीप बैक पर स्क्वायर लेग के रीजन में सीमा पार, चार रन। तो इसी के साथ चौकों की हैट्रिक, एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल कामले के लिए, लगातार तीन बाउंड्रीज लगाई अपने टीम के लिए और छह रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। क्या दमदार शुरुआत होती हुई, जनजवीला भगव्याचा सन्मान तुम्ही नक्कीच ज्या पद्धतीने जगवला, मरगलेला मर्द मावले तुम्ही, घडविले स्वराज्य ही श्रींची इच्छा। इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन बिल्कुल ऐसा इरादा था मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलेंगे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ पहला पावर पे समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी टोटल बगर विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रन, नविशा 11 विच उम्बे टीम। ठीक है, बिल्कुल यहां पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पापनीला पापनी भिड़ते त्याला निमित्त म्हणतात, वाघ दोन पावलं मागे सरकतो त्याला अवलोकन म्हणतात आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। काय जबरदस्त स्पर्धा, संपूर्ण भगवं वातावरण इथे आपण नक्कीच पाहू शकाल। तो इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट, 18 रन बने टोटल स्कोर कार्ड पर। क्या दमदार बैटिंग दिखाई है स्वप्निल कामले ने, पिछली छह की छह गेंदे अकेले बल्लेबाज स्वप्निल कामले ने खेली और इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए मिथुन मात्रे के बाद पीयूष ठाकुर यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन संदीप पाटिल मैम फ्रॉम तिरंगा 11 शिवकर टीम के, ये मजबूत बल्लेबाज है। आज प्रेम गायकवाड़ दो खिलाड़ी तिरंगा शिवकर के इस नविश 11 विचुंबे में देख सकते हैं और बिल्कुल स्वप्निल कामले ये विचुंबे गांव के ही खिलाड़ी है और सबसे ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर ही इन्हें जाना जाता है। गेंदबाज तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल ऑन साइड में खेला, बस स्ट्रोक करन वहां पर डीप में आते हुए, तब तक एक ही रन मुकम्मल होता हुआ और इसे एक रनों की मदद से लगभग बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर। शुरुआत काफी लाजवाब है और इसीलिए कहते हैं कि आपका अगर शुरुआत राइट स्टार्ट होती है ना तो आपका अंत भी अच्छा होगा, लेकिन यहां पर मिडिल ऑर्डर्स में जो पिछले एक ओवर के बाद रन बने हैं अगर इन दूसरे और तीसरे ओवर में रन रोकने में कामयाब होते हैं तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कोशिश कामयाबी होगी। लेकिन क्या स्वप्निल की निगाह सेट है, क्या ऐसे हालात में जिस बल्लेबाज ने पहले पावर पे में 18 रन बनाए क्या उसी बल्लेबाज को रोकने के लिए मैं कहूंगा क्या बन पाएंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए जानते हैं ऑन साइड में इनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक निकले हैं और इसी के वजह से यहां पर आप देख सकते हैं ऑन साइड में इन्हें लगभग फील्डर रखे गए हैं, टोटल तीन फील्डर रखे गए, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप कवर रीजन में, लेकिन शॉट बढ़िया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्साइटिंग पावर स्ट्रोक, 6 रन।
जे फगवा म्हटल्यानंतर नक्कीच शिवसेनेचा हा फगवा आपण पाहू शकाल। आणि सातत्याने आम्ही प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो दीपक साहेब की ज्या पद्धतीने प्रत्येक पक्षाला शॉर्टकट नाव आहे, भारतीय जनता पार्टी भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस एनसीबी, आम आदमी पार्टी आप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, फक्त बापाचंच नाव पूर्ण घेतलं जातं ते म्हणजे शिवसेना। अशी शिवसेनेची ही दमदार स्पर्धा आपण नक्कीच या ठिकाणी पाहू शकाल। आणि हे भगवं वातावरण सातत्याने आपण पाहू शकाल, चहू बाजून या ठिकाणी फगवा इथे फळकताना, आणि जी हवा मात्र ती प्रतीक दाखवते की अजूनही छत्रपतींचे मावळे या ठिकाणी आपण पाहू शकाल, जे फगवा फडकवताना या मैदानावरती एक चांगली संकल्पना घेऊन पहिलाच वर्ष या स्पर्धेचा। आणि मी तर म्हणेन या कडाक्याच्या उन्हामध्ये भरपूर संघ आले, कारण तालुका संघ जमवता जमवता नाकामध्ये दम येतो, परंतु मी म्हणेन चांगली मेहनत घेतली आयोजकाने, खास करून आमच्या सौरभने शुभमने, तर त्याचे मनापासून धन्यवाद देतो। आणि त्याच्या मागे हे आहे मोठं पाठबल, खऱ्या अर्थाने आपण पाहू शकाल शिवसेनेचे सावरली जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख सन्माननीय दीपक मालुसरे साहेब, आणि संपूर्ण पौध गावाचा आम्ही ग्रामस्थ मंडळांचा मनापासून धन्यवाद देतो। गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं, बॉलर यहाँ पर आते हुए ध्रुवित मात्रे मैन फ्रॉम बोरी उरनगांव का ये खिलाड़ी है, राउंड द विकेट से पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार संदीप पाटिल। अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला, बस स्ट्रोक गैप में जरूर ढकेला है मिड विकेट के रीजन में, यहाँ पर उठाएंगे करण मड़वी, तब तक अच्छी फील्डिंग थ्रो बढ़िया होता हुआ, लेकिन विकेट कीपर को थोड़ी सी मुश्किलें थी इसी वजह से इन्होंने छोड़ा, जानते बैकअप के लिए कवर के लिए आए थे खिलाड़ी। 29 स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनती हुई और इसी एक रनों के साथ स्ट्राइक मात्र स्वप्निल कांबले के पास इस वक्त जाता हुआ। अभी भी बात करेंगे कि 11 गेंदों का खेल बचा है, तो यहां पर 20-25 रन से आसानी के साथ जुड़ सकती है, और वही की कोशिश में स्वप्निल कांबले के बल्ले से अब तक तब तक 3 चौके 2 छक्के अभी तक निकले हैं। ये देखिए कितनी तेज गति से गेंद फेंकी थी, और कहते हैं ना कभी कभी जब आप गेंद तेजी फेंकते हैं ना तो शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समय जरूर होता है लेकिन गेंद अगर तेजी के साथ हो ना तो बिल्कुल आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा जरूर होती है। यहां पर आप देख सकते हैं रन संख्या बनती हुई टोटल 29, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, थ्रुवित मात्रे को कौन बोलेगा दोस्तों, आर्या ट्रॉफी में काफी लाजवाब क्रिकेट खेली थी, तो नो बॉल का क्रिकेट या नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, रन बनेगा एक एक्स्ट्रा और फ्री हिट का मौका बिल्कुल बना रहेगा। सारसन के मैदान के ऊपर चैंपियन रही थी गावदेवी 11 गावटन टीम, दूसरी मर्तबा इस मैदान के ऊपर क्या फिर से एक बार आगे के सफर में जाएगी, सुपर फोर अमदा चषक वही सब पहले साल में पौध के मैदान के ऊपर क्वालिफाई हो जाएगी, इसके लिए भी दोनों टीमों के बीच में, लेकिन सामने है नाविश 11 विचुंबे जिन्होंने सुबह के सत्र में बहुत बढ़िया क्रिकेट दिखाया। 30 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए अभी भी लगभग 10 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है, फ्रीट का मौका बैट्समैन स्वप्निल कांबले के लिए, ध्रुवित मात्रे तैयार, शॉट पिच लाइन की बॉल, शॉट है बड़ा, गेंद जाएगी सीमा पार, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। थैंक यू, टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 36 रनों के ऊपर, और शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे का एक वक्त है, एक कहावत है जिस तरीके से कहते हैं ना, मेरा हर गुना रोष मेरे विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून में हर कतरे में जिंदा रहेगा, नाम है बालकेशव ठाकरे। बिल्कुल शिवसेना की ये दमदार ट्रॉफी आप देख सकते हैं, शानदार स्ट्रोक, फ्रीट का मौका था बल्लेबाज स्वप्निल कांबले के लिए, लेकिन इस बार हवा में गेंद है, विकेट कीपर यहां पर गेंद के नीचे, लेकिन उनसे पास से दूर ये गेंद जाती हुई, लेकिन रन ना दूसरा लेने की कोशिश करते हुए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तब तक बल्लेबाजों ने रन चुराए, टोटल 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 38 रन, स्वप्निल कांबले अकेले खेल रहे टोटल 33 रनों के ऊपर 15 गेंदों का सामना करने के बाद, क्या पहले खिलाड़ी बनेंगे इस तालुका हाफ के गट में कि अपना अर्धशतक ठोक पाएंगे। अभी भी टोटल 7 गेंदों का खेल बचा है और अर्धशतक के लिए मात्र 17 रनों की जरूरत है, क्या पहला अर्धशतक इस श्रृंखला में ठोक पाएंगे। इससे पहले किरण पवार ने रन बनाए थे लगभग 37 रन बनाए थे, क्या उनका उच्चतम हाईएस्ट स्कोर है, क्या उसको तोड़ने की क्षमता दिखाने की ताकत दिखा पाएंगे स्वप्निल कांबले। इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति, और एक बॉल है माफ कीजिएगा जिस तरीके से एक नो बॉल गिरी थी, चलिए डॉट बॉल आया, समय था स्वप्निल के पास, यानी कि 8 गेंदों का खेल बचा हुआ था और एक बड़ा छक्का लगा सकते थे तो लगभग 39 के भीतर जा सकते थे और मौका रह सकता था, लेकिन अभी भी डटे हुए मैदान के अंदर
शॉर्ट पिच लाइन की बॉल जी हाँ ये भी गेंद जाएगी सीमा पार। अंपायर का इशारा यूजिट स्वप्निल कांबले खेल रहे 39 रनों के ऊपर और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट, रन बने टोटल 44। टोटल 44 धावा नक्कीच आम्ही सांगन सातत्याने प्रत्येक स्पर्धेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आम्ही सांगतो। औरंगजेब रडला होता कारण दरबारात आवाज चढून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा नडला होता। जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता कारण त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे नडला होता। जालून देखील तासर अजमल कसाब रडला होता कारण त्याची मान आता धरून त्याला तुकाराम उमले नडला होता। सांगा ओढून जगाला नडणारा फक्त हिंदू मराठा होता। फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, पोरं नाचणार, लोक जलणार, ज्याला अडचण होणार तो पाकिस्तानला जाणार कारण 19 फेब्रुवारीला माझा राजा देव छत्रपती येतोय। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला यहां पर चलता हुआ, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की जनसंख्या पहुंचती हुई 44 रनों के ऊपर और स्वप्निल कांबले अकेले बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी और जीत के लिए अभी भी 6 गेंदों में अगर 20-25 रन जोड़ेंगे और ये ओवर में मैं कहूंगा स्वप्निल कांबले के पास अगर स्ट्राइक रहेगी तो अर्धशतक यहां पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखेंगे जब गौटन टीम की बल्लेबाजी आएगी तो गौटन टीम भी काफी ताकत और बल्लेबाजी करेगी लेकिन देखेंगे आखिर के क्षणों में आखिरकार सुपर फोर में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। तो 3 ओवर का खेल, चलिए मैच स्पीड अप करिए। गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन करते हुए रोहित गरत इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, तो देखना होगा रोहित किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी करेंगे, इसका अब आपके सामने उदाहरण पेश होगा। पहली बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले का किनारा लगा था लेकिन डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति हुई 44 रन अभी तक स्कोर कार्ड पर बनते हुए 4th ओवर प्रगति पर है। रोहित गरत यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए गौदेव 11 गौटन टीम की ओर से पहली गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने, लेफ्ट हैंड बॉलर है और बिल्कुल काफी खतरनाक जाने जाते हैं, ऐसे हालातों में क्या मैच को बना पाएंगे। फुल टॉस गेंद शॉट बढ़िया है लेकिन फील्डर अमित नाइक वहां पर मौजूद है और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। संदीप बैक टू द पवेलियन। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं टोटल टीम की रन संख्या अभी भी रुकी हुई यहां पर 44 रनों के ऊपर, अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है टोटल 4 और 4 गेंदों में स्वप्निल कांबले क्या अपना अर्धशतक यहां पर पूरा कर पाएंगे। तो गेंदबाजी के मार्ग पर फिर से एक बार रोहित गरत तैयार होते हुए 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं दिया और 1 विकेट लेने की ताकत बिल्कुल इस गेंदबाज की ओर से दिखाते हुए। इस बार अच्छी गेंद लेकिन देखना होगा पढ़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। 17 गेंदों में लगभग 39 रनों की अभी तक नाबाद पारी खेलती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई इसी एक व्हाइट की मदद से 45 रनों के ऊपर। देखिए फिर से एक बार यहां पर कट करने की कोशिश, काफी नजर टर्न आई लेकिन ज्यादा ही टर्न होती हुई, व्हाइट बॉल की कोशिश लगातार हो रही है और व्हाइट बॉल यहां पर आता हुआ, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46 रनों के ऊपर। 4 गेंदें फेंकनी होगी, इनमें से 6 गेंदों का एक ओवर होता है, 2 तो व्हाइट मिले, ओवर बढ़ता जाएगा क्या और जैसे जैसे व्हाइट फेंकेंगे वैसे वैसे यहां पर एक्स्ट्रा रन मिलते जाएंगे और ये ओवर भी काफी लंबा होता जाएगा। देखिए तीसरी बॉल छक्कों की हैट्रिक आप देख सकते हैं, व्हाइट की हैट्रिक देख सकते हैं और यहां पे व्हाइट की हैट्रिक पूरी करते हुए स्वप्निल कांबले ने 3 लगातार चौके दागे थे और यहां पर 3 गेंदबाज अभी तक व्हाइट फेंकते हुए बॉलर। ये रन है ना छोटे छोटे आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे और आपको इन रनों को रोकना होगा। ये देखिए ये लाइन परफेक्ट है, थोड़ा सा आप जब ऑफ स्पिन लेग स्पिन डालते हो ना तो शरीर से थोड़ा सा यहां पर भीतर से कोशिश करें क्योंकि ज्यादा आप ऑप्शन से बाहर और भी गेंदों को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे दिक्कतें आपके सामने जरूर पेश होगी। ये देखिए ये गेंद सही थी और यही गेंदों को डालना भी बहुत जरूरी होता है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार,
इस बार शॉट करा रहा है, गेंद जाएगी सीमा पार, अंपायर का इशारा 6 रन, स्वप्निल कामले पहुंचे 6 रनों की मदद से 45 रनों के ऊपर, टीम का 50 पूरे होते हुए 53 रन स्कोर कार्ड पर। थैंक यू डीजे। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, 53 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए, इस बार गेंद अच्छी है, 46 रन के ऊपर पहुंचते हुए, क्या अर्धशतक अपना पूरा करेंगे या नहीं, लेकिन चलिए स्ट्राइक अपने पास नहीं रखी, अक्षय पवार कप्तान टीम की स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, तो 46 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी और आखिरी बॉल बची है। अब टीम की रन संख्या की बात करेंगे, 54 रन स्कोर कार्ड पर यहां पर बनते हुए। ये लीजिए डॉट बॉल की हुई समाप्ति और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है।